पे मैं हूं अर्जुन सार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जो एक्चुअल में इंडियन मार्केट में अंडर रेटेड कर दी गई है कि भाई उनको एक्चुअल में ऐसा परचेज या ऐसा सेल्स नहीं मिल पा रही, और उसको देखते हुए एक्चुअल में वो गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी जिसे आज की डेट में बोल सकते हो वो है, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे ऐसे डिस्काउंट चल रहे हैं और ऐसी जो प्राइसिंग है उन गाड़ियों की तो उन्हें मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। बट लोगों के माइंडसेट में जो सेट हो गया है उसके बाद में लोग उस गाड़ियों को देखते नहीं है, मतलब उन गाड़ियों को ऐसा देखते नहीं है। तो ऐसी गाड़ियों के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, आई थिंक सो आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। ठीक है, अगर आप कोई कार बाइंग का डिसीजन लेने वाले उससे पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना, नीचे कमेंट डाउन करना, अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे डिसलाइक करना। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की लिस्ट में अपने लिस्ट में सबसे पहली गाड़ी जो आती है वो आती है सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ब्रांड की तरफ से, क्योंकि भाई इस गाड़ी की मतलब कि इस कंपनी की जो गाड़ियाँ आती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में उस गाड़ियों की ऐसा होता है कि मोस्ट सेलिंग में आती है। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी की। तो मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ये गाड़ी है, यह है मारुति सुजुकी एसक्रॉस। एक्चुअल में एसक्रॉस का नाम ऐसे है कि भाई इंडिया से मतलब इंडिया में इस गाड़ी का नाम मतलब नाम के जितना रह गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई इसकी वैल्यू रही नहीं, क्योंकि बट ये जो गाड़ी है ये कुछ ज़्यादा ही डिजर्व करती है। जब मैंने इस गाड़ी को देखा और इस गाड़ी के बारे में थोड़ा ज़्यादा जाना तब पता चलता है इस गाड़ी में जो फीचर्स मिलते हैं, जो क्वालिटी मिलती है, जो सेफ्टी मिलती है वो एक्चुअल में मारुति की किसी गाड़ी में प्रोवाइड नहीं होती। और तो और इसकी जो प्राइसिंग है वो मोस्ट अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसका सेगमेंट की अगर बात करें, लेंथ के अकॉर्डिंग और ब्रेथ मतलब विड्थ के अकॉर्डिंग बात करें तो ये गाड़ी कम्पीट करती है सेल्टोस, क्रेटा या मतलब कि इस टाइप की गाड़ियों को। अब अगर क्रेटा सेल्टोस की प्राइस की अगर स्टार्टिंग की बात की जाए, एक्सोरूम ऑलमोस्ट 9.99 लाख से ये गाड़ियाँ शुरू होती हैं, जो कि क्रेटा शुरू होती है और सेल्टोस थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली जाती है, मतलब सिमिलर टू 10 लाख के अराउंड ये गाड़ियाँ स्टार्ट होती है। बट जब बात आती है इसकी एसक्रॉस की तो ये गाड़ी स्टार्ट होती है 8.3 लाख से, मतलब 8.30 लाख से 8,30,000 ये गाड़ी अराउंड चालू होती है। अब अगर 8,30,000 एक्सोरूम से ये गाड़ी स्टार्ट होती है और लगभग अराउंड 12,50,000 तक ये टॉप मॉडल चली जाती है, तो भाई अगर इस प्राइस रेंज में आती है एक्चुअल में ऐसा क्या प्रोवाइड करती है, तो अगर मोटा मोटा बात करें 2 लाख का फ़र्क आता है, 1.5 से 2 लाख का इसमें फ़र्क आ जाता है। और फीचर्स की बात करें तो मतलब इसमें ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो बेसिक से जो एक्चुअल में बेस मॉडल से ही इसमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बट जो प्रीमियमनेस है वो ना आपको क्रेटा में मिलेगी ना सेल्टोस में मिलेगी, इसमें आपको ऐसी मतलब कि प्रीमियमनेस अंदर की तरफ मिल जाती है। तो उससे पहले बता दूँ इसका जो बेस वेरियंट आता है वो 8.3 लाख से आता है, और इसकी जो ना बिकने का कारण है वो एक ही मेरे को जो लगता है वो है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 180mm का, और इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सभी ऑफर करते हैं समवेयर अराउंड 200mm के अराउंड मतलब ऑफर करते हैं, तो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 180mm का। बट मेरी नज़र में ये ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड्स के लिए एक्चुअली ऑलमोस्ट परफेक्ट सा है, क्योंकि भाई अगर SUV की बात आती है तो ग्राउंड क्लियरेंस आगे मतलब कि हाई होना चाहिए, ये नो डाउट होना चाहिए, लेकिन अगर आप इंडियन रोड्स पे चलते हो, सिटी पे चलते हो, हाईवे पे चलते हो, तो अगर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होगा तो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि भाई बॉडी रोल आना तय है। बट इस गाड़ी में 180mm का एक परफेक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके साथ ही ब्रेड जो चौड़ाई है गाड़ी की, विड्थ है वो भी अच्छी खासी मिलती है, इसकी वजह से ये गाड़ी रोड से चिपक के चलती है। और इसकी जो हैंडलिंग भाई साहब एक नंबर की मिलेगी, क्योंकि भाई क्रेटा सेल्टोस ये टाइप की गाड़ियाँ 200mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो प्रोवाइड करा देती है, बट जब बात आती है हैंडलिंग की तो ये गाड़ियाँ वहाँ पे मार खाती है। ठीक है, अब बात आती है पावर की, तो इसमें मिलता है जो कि नॉर्मली ब्रेजा में मिलता है, अपनी अर्टिगा में मिलता है, XL6 में मिलता है, वही सिमिलर 1.5 लीटर वाला इंजन मिलता है जो 105 BHP की अराउंड पावर प्रोवाइड करती है। बट अगर बात करें पावर के अकॉर्डिंग तो पेट्रोल में नो डाउट ठीक ठाक से अच्छी पावर है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। तो अगर बात करें इसके राइवल्स की वो अराउंड 115 BHP निकालते हैं, बट इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 105 और 15 मेरे को नहीं लगता ऐसा ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि भाई इसमें ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है एक तो, और उसके साथ ही 5 जने परफेक्टली इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। और तो और इसमें इंटीरियर में बात की जाए तो इंटीरियर में आपको सॉफ्ट टच का डैशबोर्ड मिलता है, फुल्ली सॉफ्ट टच आपको इसमें कंपनी से मिलता है। इन चीज़ों में मतलब छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इनमें मिस आउट करती हैं ये गाड़ियाँ क्रेटा सेल्टोस टाइप की, और इसमें कम प्राइस भी लगता है, आपको बेस मॉडल से ही ये सारी चीज़ें मिलती है। और मतलब कि सेंटर लॉकिंग नॉर्मल से जो छोटे छोटे जो फीचर्स अपने एसेंशियल होती है वो इसमें बेस मॉडल से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आई थिंक सो ये वैल्यू फॉर मनी रहता है अगर आप परचेज करते हो।
और तो और एक और चीज बता दूं, इसमें अप टू 50,000 ऑफर्स चल रहे हैं जिसके चलते आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो समवेयर अराउंड अगर 8,30,000 एक्स रूम है, अगर 9.5 लाख या 10 लाख तक आपको ऑन रोड मिलती है गाड़ी, तो उसमें से आपको समवेयर अराउंड 50,000 तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये गाड़ी मोटा मोटा 9.5 लाख तक आपको ऑन रोड मिल जाती है जहाँ वो गाड़ियाँ नहीं शुरू होती। तो ये गाड़ी अगर आप लेते हो तो इस चीज़ में आपका मतलब कि फ़ायदा हो जाता है। और तो अगर इसकी बात करूँ, अगर आपका प्लान सब कॉम्पैक्ट SUV का भी है तब भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि भाई ब्रेजा, नेक्सॉन, इको स्पोर्ट इस टाइप की गाड़ियाँ भी लगभग लगभग इससे 50 से 60 हज़ार ही सस्ती हैं। मतलब कि एक्स शोरूम में बात करें तो समवेयर अराउंड 7,30,000 या 7,50,000 की एक्स शोरूम शुरू होती है। ब्रेजा लगभग 7.5 लाख से ब्रेजा शुरू होती है और ये 8,30,000, तो मोटा मोटा 80,000 का डिफरेंस है। अगर 80,000 का डिफरेंस को ना देखें और 50,000 का लगभग डिस्काउंट मिल जाता है, तो ऐसे देखते देखते 20 से 30,000 के डिफरेंस में ये बड़ी गाड़ी मिल जाती है आपको। अंदर नॉर्मल बेसिक से फीचर्स मिल जाते हैं, और तो और अगर आप इसके हायर वेरियंट्स भी जाते हो तो तब भी ये सिमिलर डिफरेंस मेंटेन रहता है। तो इस रेंज में अगर आप लेते हो कॉम्पैक्ट SUV, मतलब कि सब कॉम्पैक्ट SUV अगर प्लान कर रहे हो, उस रेंज में अगर इसको एक बार देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेंसिबल डिसीजन रहता है। तब सेकंड ऑप्शन में अपने पास आती है कि भाई दूसरी कौन सी गाड़ी ली जाए। तो दूसरी गाड़ी की अगर बात करें तो दूसरी गाड़ी आती है रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली डस्टर। अब भाई आप बोलोगे यार डस्टर तो आज से 2012 में लॉन्च हुई थी, अब क्यों सजेस्ट कर रहे हो इसको। तो मोटा मोटा रीजन बताऊं तो डस्टर के ऊपर आज की डेट में चल रहे हैं समवेयर अराउंड 90 से 1 लाख हज़ार, मतलब 1 लाख तक के डिस्काउंट, 90,000 से 1 लाख तक के इस पे डिस्काउंट चल रहे हैं। तो समवेयर अराउंड अगर बात करें मोटा मोटा तो 9 लाख से ये एक्स शोरूम शुरू होती है, और तो और ये लगभग लगभग 13 लाख तक ये एक्स शोरूम चली जाती है। तो अगर 9 से 13 के बीच में देखी जाए तो लगभग पहली बात की जाए तो अगर इसके राइवल की बात की जाए तो राइवल से ये कम से कम 1 लाख सस्ती है। उसके बाद में इस पे 80-90 हज़ार का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे करते करते 1.5 लाख तो अपन ने 1.75 लाख तक तो अपन ने ऐसे बचा लिया। अब अगर बात की जाए अगर इतना बच रहा है तो एक्चुअल में इसमें क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 154 BHP की पावर निकालता है, जो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इस रेंज की गाड़ियां ऑलमोस्ट समवेयर 140 BHP से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करती। अब अगर बात की जाए क्रेटा सेल्टोस की, तो इनके जो हाइयर ट्रिम से जस्ट लाइक GT Line आपको सेल्टोस में मिलता है वो प्रोवाइड करता है 140 BHP डीजल में, और ये समवेयर अराउंड प्रोवाइड करती है 154 BHP जो भी मतलब इस रेंज में कि भाई 1.3 लीटर पेट्रोल के साथ। अब बात की जाए माइलेज की और ग्राउंड क्लियरेंस की, इसमें मिलता है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और माइलेज समवेयर अराउंड 17 का क्लेम किया जाता है कंपनी के मतलब कंपनी से, ठीक है। तो एक ही डिफरेंस है मोटा मोटा वो देखी जाए तो वो है पेट्रोल का। अगर आपको दिक्कत नहीं है पेट्रोल SUV से तो भाई आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, क्योंकि भाई इसमें बेसिक फीचर सारे बेस मॉडल से प्रोवाइड होते हैं, जस्ट लाइक बॉडी कलर, आपको मिरर्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। और अंदर से बात की जाए तो अंदर भी बेसिक से फीचर्स मिल जाते हैं इसमें बेस मॉडल से, ठीक है। अब बात करें बूट स्पेस की, तो इसमें बूट स्पेस मिलता है 470 लीटर का, वो कि सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप किया की सेल्टोस ले लो, आप इसकी Hyundai की क्रेटा ले लो, ये मोस्ट पॉपुलर गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये गाड़ी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आज की डेट में मेरे को लगती है। अब हर किसी की मतलब ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अगर आप 1.5 से 2 लाख अगर स्टार्टिंग में बचा रहे हो, बाद में अगर आपकी रीसेल थोड़ी कम भी मिलती है तो आई डोंट थिंक सो कि इतना मतलब आपको फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अपन ने यार पहले ही पैसे कम दिए हैं तो बाद में उससे थोड़ा बहुत तो कम ही मिलेगा, तो आई डोंट थिंक सो यार इतना फर्क पड़ता है रीसेल से भी। और अगर आप एक परफेक्ट गाड़ी चाहते हो तो गाड़ी एकदम परफेक्ट मिलती है आपको, लंबाई से बात की जाए तो लंबाई में क्रेटा सेल्टोस के बराबर की मिलती है, और चौड़ाई में इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मिलती है 1822 mm की अराउंड इसमें विड्थ मिलती है, जो कि इस सेगमेंट में कोई प्रोवाइड नहीं करता, ये सबसे चौड़ी गाड़ी है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करने के लिए इसमें ऐसा किया गया है कि भाई एक तो चौड़ाई बढ़ा दी गई है और एक तो हाइट थोड़ी सी कम कर दी गई, इससे क्या SUV एनहांस भी हो जाती है और तो और ग्राउंड क्लियरेंस भी मतलब अच्छा खासा रह जाता है। तो ये चीज़ आप जरूर एक बार को देखिए भाई, डस्टर आज की डेट में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगती है। अब हर किसी की चॉइस अलग से हो सकती है भाई, ठीक है। और अगर आपका सब कॉम्पैक्ट की तरफ भी अगर एक बार को मन है, इस गाड़ी की तरफ एक बार जरूर देखिए। बट अगर आप इस फेस्टिव सीजन में अगर इन गाड़ियों को उठाते हो तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाले। और तो अगर रीसेल से रिलेटेड बात करना चाहते हो तो कमेंट डाउन कर दो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तब तक की वॉचिंग अर्जुन सुथार, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है।